और रूस यूक्रेन वॉर के आज 43 दिन हो चुके हैं और अब भी तबाही जारी है। दोनों देशों में बारूदी टकराव के बीच चीन ने बड़ा दावा किया है। इस युद्ध को चीन ने नया अमेरिकी एंगल दिया है। बरसते बारूद, छलनी होती धरती, खंडहर में तब्दील होते मकान, बेहिसाब अग्निबाणों की बौछार से मरते इंसान, पता नहीं कहां से कब किस वक्त कौन सा बारूदी अस्त्र काल बनकर गिर जाए। करीब 1.5 महीने से यही हकीकत है यूक्रेन की। यही नियति है यूक्रेन में रहने वालों की। रूसी मार्का बारूद की तपिश में यूक्रेन का अस्तित्व पिघलता जा रहा है, भविष्य जमींदोज होता जा रहा है, किश्तों में शांति ध्वस्त हो रही है। ऐसा होते होते 43 दिन गुजर चुके हैं और इस विध्वंस के अंत की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। यूक्रेन में इस तबाही के बीच चीन ने बड़ा दावा किया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर ड्रैगन ने सीधा सवाल उठाया है अमेरिका पर। चालबाज चीन ने एक प्लेबुक का जिक्र कर जो बाइडेन को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया है और इस महातबाही के लिए सुपर पावर को जिम्मेदार ठहराया है। ड्रैगन का दावा, जो बाइडेन ने पुतिन को फंसाया, रूस और यूक्रेन में संग्राम, यूएस प्लेबुक का प्लान, क्या रूस लड़ेगा, अमेरिका का सपना पूरा होगा। 72 घंटे की लड़ाई 43 दिनों से जारी है। रूस के बारूद बर्बाद हो रहे हैं, हथियार तबाह हो रहे हैं। सोवियत संघ के बिखरने के बाद सबसे ज्यादा तादाद में रूसी सैनिक मारे गए हैं। ऊपर से प्रतिबंधों का लगातार प्रहार हो रहा है। यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। वो सब हो रहा है जो भयावह है, जो पुतिन के लिए परेशान करने वाला है। इस बीच खुद को रूस को अपना दोस्त कहने वाले चीन ने एक अफवाह को हवा दे दी है। चीन ने दावा किया है कि जो हो रहा है वो अमेरिका के प्लेबुक का हिस्सा है, यानी अमेरिका जानबूझकर ऐसा करवा रहा है, यानी इस विध्वंस के जरिए अमेरिका अपनी बढ़त कायम रखना चाहता है। चीन के सरकारी मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स में इस दावे को तर्क की कसौटी पर खड़े करने की कोशिश की गई। अखबार में दावा किया गया कि अमेरिका चाहता है कि युद्ध लंबा खींचे ताकि उसके हथियार बिके। पूछो नरसंहार को जानबूझकर हाईलाइट किया गया ताकि रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सके। अमेरिका चाहता है कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर वह अपने गैस को यूरोपीय देशों के हाथों बेचना चाहता है। चीन का दावा है कि रूस को युद्ध में फंसाकर अमेरिका अपना सुपर पावर वाला रुतबा कायम रखना चाहता है। दरअसल यूक्रेन वॉर शुरू होते ही अमेरिका या कहिए कि तमाम नेटो देशों ने रूस पर प्रतिबंधों का प्रहार करना शुरू कर दिया। इसके बाद रूस ने भी गैस के बदले रूबल की मांग शुरू कर दी। यूरोपीय देश फंस गए क्योंकि ज्यादातर देशों में रूसी गैस की सप्लाई होती है। ऐसे में अमेरिका ने यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई का आश्वासन दिया है। अमेरिका ने कहा था कि साल के अंत तक अतिरिक्त 15 अरब घन मीटर एलएनजी देगा यूएसए। 2030 तक हर साल 50 अरब घन मीटर अतिरिक्त गैस की आपूर्ति। चीन का दावा है कि इसके बदले अमेरिका मोटी रकम वसूल करने वाला है। चीन के रेनमिन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान के निदेशक फांग यिफेई ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शत्रुता अमेरिका की प्लेबुक के पक्ष में है, क्योंकि रूस जितना कमजोर होगा अमेरिका को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जो रूस अमेरिका को चुनौती दे रहा है वो कमजोर होगा, क्योंकि यूक्रेन रूस वॉर में अमेरिका दूर बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है, यूक्रेन को हथियार दिलवा रहा है और रूस का नुकसान देख रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।